What's up guys, welcome back to the channel. Today I'm going to react on once Rudra singh Obrio said. So I think ye koi funny type ki video hai. So iski bahut sari request aa rahi thi, aap logon ne bahut comment kiye the ki is par react karo. Ye video mujhe mil hi nahi rahi thi, seriously maine bahut searches wagaira kiye YouTube par, but actually mein mujhe mil hi nahi. Aur finally mujhe ek link mila tha, kisne comment kiya tha, so thank you so much मुझे लिंक प्रोवाइड करने के लिए. तो वो काफ़ी इजी सीन हो गया मेरे लिए. तो आज हम वही देखने वाले हैं, रुद्र सिंह ओब्रॉय वन सेट. सो लेट्स चेक इट आउट. When Dada was so daring, पोते भी होंगे रिशबाज, वो लाहौर के लेडी किलर, हम मुंबई के इश्कबाज. ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. ये सारे भाई है ना जो अभी मैं देख रहा हूँ, ये सारे ड्रामे में भाई है. शिवाय भैया को अनेक भाभी को पकड़ने का बहाना चाहिए. पर ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? दादी मैं तो सिर्फ नाम का लेडी किलर. ये रेड शर्ट वाला मुझे काफी फनी लगता है, ड्रामे में इसका बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर होगा ऐसा मुझे लगता है. पर भैया आज इस लड़की को मार के सचमुच के लेडी किलर बनने वाले. स्पेस इतना स्पेस चाहिए था तो एस्ट्रोनॉट बन जाते ना, वहां स्पेस ही स्पेस था. सब लोग ये क्यों बोलते हैं, वक्त बताए, कैसे बताए, किसे बताएगा, घड़ी बोलेगी क्या? कम ऑन अपना फेमस वाला गुस्सा दिख. कम ऑन. अरे अरे दादी बचाओ, दादी कितना मारा मुझे, देखो कितना खून आ रहा है. झूठा, अभी आएगा. अगर मेरे हसीन चेहरे को कुछ हो जाता, मैं हसीन लड़कों के क्या जवाब देता. हां कैसे बातू नहीं भैया मिले यार हमें. यार आप लोग लाइव शेयर करते हो, क्लासरूम में बेंच शेयर नहीं करते, जो बातें खत्म नहीं हो रही आप लोग. आज तुमको करना मुझसे इजहार है. सजना क्या ये तेरा पहला बुखार है? भाई मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं पर रहूंगा तो छोटा भाई, और जब मुझे छोटा ही रहना है तो बड़े होके क्या फायदा. लॉजिक, आई एम अ जीनियस. भैया घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूरी में नहीं फेंकेगी, मैंने सेटिंग कर ली उनके साथ. बिल्लू को आग लगेगी, बिल्लू जेलस होगा, बिल्लू का दिल भी जलेगा. बिल्लो टक्कर टक्कर. 70 एपिसोड से ऐसी बातें कर रहे हैं. अगर आप सुपरमैन हो तो अनिका दीदी भी सुपर गर्ल है. ऊपर देखो इतनी ओवर एक्टिंग कोई डेली सोप में भी नहीं करता है. ओह माय माता शिवाय, ने क्या कर कौन कहता है ऐसे. अरे पिज्जा गोल होता है तो उसका बॉक्स स्क्वायर और पीस ट्रायंगुलर क्यों होते हैं? क्या अभी अटैक करने जा रहे हैं? ओमकारा बाल बढ़ा रहा है, मैं फूल उगा रहा हूँ. ओके बालों में लगाने के लिए हैप्पी. सौतन बनी सहेली. बताओ आपके पापा कौन हैं? आप दोनों तो गाय. यस वी आर कूल गाइस. ये भाभी रानी की झांसी क्यों बनी? सो इंटरेस्टिंग यार. अरे भैया छी है भगवान, ये कैसी बातें कर रही यार. अब मैं रुद्र सिंह ओबरा, मेरी मर्दानगी पे शक. नहीं तेरी टी आ गई गेस्ट रूम, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, यूनिवर्स में आग लगाती है. भैया को देख के रहा, क्योंकि तोते उड़ गए, वो इधर आते आते उधर क्यों मुड़ गए? आपने इतनी बार ऐसे ऐसे किया ना, मेरा ब्रेन डैमेज हो गया, मुझे घंटियां सुनाई दे रही है. नर्स ने ऑर्डर कर दी. इसको टॉपिंग कौन सी पसंद होगी? कोई बहुत उतावला हो रहा है वो. स्वेतलाना उठ. ये तो एकदम डीडीएलजे के पलट. अरे मूवमेंट का डेली सो वर्जन हो गया. ओह गॉड, मेरे लाइफ कितनी एक्साइटिंग है यार. अरे तुमने अकेले कंजूर मार नहीं देखा है, कंजूरिंग दूर की बात है. भाभी को गजनी जोन से बाहर लाना पड़ेगा. अरे लड़के वाले हो गए आप अपने घर में. तू सच में शेर है. अरे शेर क्या था, चीता भी है. कभी आ घर पे महफिल जमाते, तेरे को रूही स्पेशल फ्रूट पंच खिलाऊंगा. घंटे गिन के दिन घटे, रातें कटी तारे गिन. आखिर इतनी देर बाद बोला है रॉबिन. अरे कैसा, ये सिंपल सी बात बोलनी, इसमें पोएट्री बोली. भाभी मुबारक, हम आपको किडनैप करने वाले. कितना सिंपल था यार. दादी आपको क्या करना है, हिल रही हो या डांस कर रही हो? ओ रईस लोग सुपारी दी थी ना बे. अरे नहीं भैया, उनकी फेवरेट चीज है गाजर का हलवा. समझते नहीं हो यार. अनिका दीदी भैया को चांद बुलाती है. डाइवोर्स से पहले कितनी बातें करते होंगे. मत पूछिए भाई साहब. अब है कोई जवाब आपके पास? है नहीं है ना, इसी बातों के लिए मैंने इस लंबे बाल वाले प्राणी को इस घर में रख रखा है. बाल वाले किंग कॉन्ग. भैया क्या सुन रहे हो आप, मैं पूछ रहा था किंग कॉन. किंग कॉन. अरे सिंपल है, बेड पे फूल बिछा के सोना होता है.
एक मिनट दादी, वो फंक्शन शादी के बाद होता है और उसे स्वागत कहते हैं आजकल। जन्माष्टमी में हम तीनों ने कृष्ण जी के कपड़े पहने थे, भैया ने कपड़े तो उतार दिए पर कैरेक्टर नहीं छोड़ा। वो बोटॉक्स वाली लोमड़ी 10 क्रिमिनल्स के बराबर है। मेरी दोनों भाभी कितनी वायलेंट है ना, हमेशा मारपीट की बातें करती है। अरे ओ बचाओ बचाओ, नहीं कह रहे हैं बेबी आओ बेबी आओ बेबी आओ। प्रिया को मैं बाप का दर्जा बहुत पहले दे चुका था, पर मां भी आपको मां का दर्जा दे रहा हूं। भाभी आपके जैसी हूं। तो भाइयों के बीच का प्यार कम नहीं होता बल्कि भाभी अपनी हो जाती है। इतना इमोशनल मोमेंट इस बार तो टीआरपी आ ही जाएगी। ओके सो दिस वाज द वीडियो ऑफ रुद्र सिंह ओब्रॉय वन सेट, बट आई थिंक आई चूज द रॉन्ग वीडियो अगेन। English, wah. तो आई थिंक मैंने गलत वीडियो फिर से चूज की, क्योंकि रुद्र सिंह ओब्रॉय का इसमें कोई भी एक डायलॉग नहीं था। खैर, तो जो करेक्टर है इसका तो नाम मुझे नहीं पता, ना ही ओरिजिनल और ना ही रियल नेम, तो आप लोग बता सकते हो इसी के बारे में। खैर, तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे में इसका बहुत ही ज़बरदस्त करेक्टर होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फनी सीन्स है इसके। वैसे 3 मिनट की वीडियो थी, सब के सब इसी एक बंदे की थी, सो इसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ तो मैं क्या बताऊँगा। बट इस वीडियो के बारे में बताऊँ तो मुझे बहुत ही पसंद आई और काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग थे, फनी फनी डायलॉग थे। एक तो वो हमारी दोनों भाभियाँ कितनी वायलेंट है, हर बार जो है हर दफ़ा मार्केट की बातें करते थे। वो लेट था, बाकी वीडियो काफ़ी पसंद आई मुझे। और रुद्र सिंह ओब्रॉय वाली ओरिजिनल वीडियो अगर ये है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट में मुझे एक लिंक भेज देना तो ताकि मैं देख सकूँ वो, तो उस पर भी रिएक्ट करेंगे फिर। तो बाकी आप लोग बताओ कि मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हम 2000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। But that's alright. Hush.